नागपुर के एक ऐड कंपनी के मालक को जमीन के झूठे दस्तावेज दिखाकर 5,55,00,000 का चूना लगाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित को इतना परेशान किया कि फिरियादी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। फिरियादी का नाम सुशील कोल्ले है, जो AGM कॉर्पोरेशन नामक ऐड कंपनी चलाते हैं। सुशील से आरोपी लोगों ने पहले दोस्ती की, उनका भरोसा जीता। बाद में फिरियादी सुशील को जमीन पर पैसा निवेश करने के लिए राजी किया। आरोपी के बहकाव में आकर सुशील ने शहर के 3 जगहों पर 5,55,00,000 रुपए लगाए। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि आरोपी ने सुशील को ठगा है। आरोपी में जाहिद मिर्जा बेग, गौतम सिंह सहित 11 लोग शामिल थे। जब इस मामले में फिरियादी को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने सीतामढ़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। सुशील ने जगह पर पैसा लगाने के लिए मार्केट से पैसा उठाया था। मार्केट के निवेशकों के फोन सुशील को आने लगे। कई आरोपी भी सुशील पर मानसिक दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण सुशील ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, जिसके बाद जाकर 11 लोगों पर FIR की गई। और क्या हुआ है आपके साथ, वो बताइए। मेरा नाम सुशील रमेश कोल्ले, मैं नागपुर से ही हूँ। और मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा था, और ये काम करते पहले मेरे भाई चलाते थे। उसको बॉडी बिल्डिंग में शौक आने के वजह से उसने क्या किया कि बॉडी बिल्डिंग पे अपना रुझान आने के वजह से उसने बॉडी बिल्डिंग पे फोकस किया। बाद में मैंने उसका पावर ऑफ अटर्नी लेके अपने हिसाब से बिजनेस को मैं कर रहा था। काम करते हुए बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा था। रिस्पांस आते समय ही मुझे दो लोग मिले, एक मीटिंग में मिले, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम जाहिद मिर्जा बेग है, दूसरे का नाम गौतम सिंह नाम है। ये दोनों लोग मिले, मुझसे दोस्ती की, मेरा भरोसा जीता। और दोस्ती करने के बाद में उन्होंने मुझे बोला, हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ, और उसने मुझे बोला कि हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, हम आपको एक बहुत अच्छा फ़ायदा करा के देंगे, आपके बिजनेस के साथ साथ में आपको साइड बिजनेस भी आपको चालू हो जाएगा। मैंने उनको कहा कि ये जो पैसा होता है हमारे पास में, ये मार्केट का होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर्स का होता है, और सही समय पे मेरे को सही टाइम पे उनको पैसा रिटर्न्स देना पड़ता है। उन्होंने बोला कि हम जो बोल रहे हैं वो अगर आप करते हो तो हम आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हम आपको करा के दे सकते हैं। ऐसा बोल के उन्होंने मुझसे पहला सौदा चर्च की जगह दिखा कर जिसमें उन्होंने बोला चर्च की जगह दिखा के जिसमें से पहला सौदा है मेरा स्मृति टॉकीज के सामने में, सांझा चूल्हा के अपोजिट के सामने में चर्च की जगह है, यह ज़मीन का सौदा कराया। दूसरा सौदा विशेष स्टेडियम चेकर्स के सामने की चर्च की जगह है, उसमें सौदा करा। ये दोनों मिला के चर्च की जगह का पहला सौदा उन्होंने मुझसे करा है, जिसमें तकरीबन 3,40,00,000 रुपए मेरे को उन्होंने लिए। और चर्च के लोगों को मिलाया मुझे और बोला कि ये ओरिजिनल ट्रस्टी है, और ऐसा बोलकर मुझसे 3,40,00,000 रुपए उन्होंने मुझसे लिए। बाद में पता चला कि सारे के सारे लोग बोकस है, ब्रोकर है, जिसमें से चर्च में से 2-3 लोगों के नाम है, जैसे कि पहला नाम है गौतम सिंह, जाहिद मिर्जा बेग, चर्च का बिशप बोलकर फादर हीरा मसीह, फादर जॉन अगस्टिन बिशप हीरा मसीह, उसके बाद में प्रशांत सतलारकर और सुजीत कुमार नईम सईमुद्दीन, ऐसे बोलकर उन्होंने मुझसे 3,40,00,000 रुपए के मुझसे धोखाधड़ी की। दूसरा सौदा मेरे से जरीपट का मौजा बाबुल खेड़ा, इसका सौदा किया। और दूसरा सौदा जरीपट का मौजा नारा, और तीसरा सौदा मौजा बाबुल खेड़ा, यह 3 सौदे उन्होंने मुझसे करे। और तीनों सौदा करने के बाद में, शुरू में मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड हुआ है, तीनों सौदा करने के बाद में मुझे पता चला कि ये इनकी एक टोली है, इनकी पूरी की पूरी गैंग है, ये लोगों को बताते हैं कि ओरिजिनल ट्रस्टीज है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी वाले। और बाद में पता चले कि सारे के सारे लोग 420 का काम करते हैं, और ऐसा करके तकरीबन तीनों प्रॉपर्टी में उन्होंने 5,55,00,000 रुपये मुझसे लिए। 5,55,00,000 रुपये लेने के बाद में मैंने जब उनको मेरे पैसे के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरे पैसों के बारे में ध्यान न देते हुए मुझसे धमकी दी कि अगर हमें पैसे मांगेंगे तो आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और जिंदा नहीं छोड़ने के बाद में आपको जो करना है कर लो, ऐसा उन्होंने मुझसे बोला। मैंने परेशान होकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, और पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट करने के बाद में मैंने क्राइम ब्रांच और EOW में उनके बारे में कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट डालने के बाद में क्राइम ब्रांच और EOW को भी गुमराह कर रहे थे कि हम इनको पैसे देने वाले देंगे, बट उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिए। उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया, जैसे मैं उनको पैसा मांगना चालू किया इतना टॉर्चर किया कि 5 जुलाई 2020 को मैंने फाइनली परेशान होकर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और मैंने ये ऐसी गलत घटना अपने साथ में कर ली। घटना होने के बाद में मेरा मेओ में ट्रीटमेंट चल रहा था, मुझे पता चला कि उन आरोपियों के ऊपर में FIR दर्ज कराई गई, उसमें कुछ लोगों के नाम आए FIR में, कुछ लोगों के नहीं आ पाए।
एफआईआर दर्ज होने के बाद में जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मुझे पता चला कि बर्डी थाने के अंदर में इन लोगों ने बर्डी थाना को सेट किया हुआ है, वहाँ के कुछ पुलिस वालों को सेट किया हुआ है। ऐसा मुझे पता चलते ही मैंने सीपी साहब के पास में मिलने का डिसीजन लिया। सीपी साहब को मेरे साथ में हुई घटना के बारे में मैंने सारी जानकारी दी। सीपी साहब को सारी जानकारी देने के बाद में सीपी साहब ने मुझे बोला कि मैं सही तरीके सीपी साहब ने मुझे सही तरीके से जांच करने का आश्वासन दिया। और उस दिन के बाद में सारा का सारा पुलिस प्रशासन, सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट मुझे सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन और जांच में मेरी मदद करने लगे। उसके बाद में ये जब ऐसा चल रहा था तो आरोपियों ने क्या किया, मेरे ही कंपनी के कुछ बिजनेस पार्टनर को अपने सपोर्ट में लेकर उनको गुमराह कर मेरे ही खिलाफ़ कंप्लेंट डालने के लिए उनको उकसाया। और जिसमें से एक व्यक्ति का नाम आशीष जैन नाम का था, जिसका एफआईआर में भी नाम डला हुआ है, उसने भी मुझे आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। आशीष जैन ने क्या किया मुझे कि टॉर्चर करने के बाद में आशीष जैन ने मुझे मेरे कंपनी के एक बिजनेस पार्टनर को लेके उसने भी उकसाना चालू किया, जिसका एक नाम है अपना पूर्णिमा ठाकुर, ठाकुर छत्तीसगढ़ की एक फैमिली है, उनको भी उसने अपने साथ में लेके आया और मेरे पे झूठी कंप्लेंट डालने का उन्होंने डिसीजन लिए। डिसीजन लेने के बाद में इन्होंने क्या किया कि कुछ मीडिया में जाके, प्राइवेट मीडिया में जाके, कुछ मीडिया में जाकर मेरे बारे में कुछ वीडियो बना के कि मैंने उनका फ्रॉड किया, मैंने चीटिंग किया ऐसा, जबकि मैंने उनके साथ में कुछ भी नहीं किया था। आशीष जैन का पैसों का व्यवहार था, मैंने पैसे के बदले में उनके कुछ पैसे, और पैसे के बदले में उन्होंने मुझसे कुछ प्रॉपर्टी मांगी और प्रॉपर्टी देकर मैंने सारे के सारे प्रॉपर्टी के पेपर उनके नाम पे भी करके दिया। मेरे पास में सारे ओरिजिनल पेपर हैं उनके वाले, सारे के सारे पैसों का मैंने हिसाब किताब कंप्लीट करा के दे दिया था। किंतु ये लोग चर्च के लोग, उसके बाद में क्या बोलते हैं ब्रोकर लोग, इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि मेरे कंपनी के लोगों को अपने सपोर्ट में लेकर, जो लोगों को जिसमें से आशीष जैन और पूर्णिमा ठाकुर को इन्होंने अपने फेवर में लेकर मेरे खिलाफ जो उन्होंने उनको उकसाया था, उनको उकसाने के बाद में ये लोग अभी इन लोगों का गलत फ़ायदा उठाकर, इन लोगों का फ़ायदा उठा के अलग अलग जगह पर मुझे नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे कंपनी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी एक ही इच्छा है कि मैंने सबका हिसाब किताब कर दिया, जहां से अभी मेरा पैसा इन लोगों ने फ्रॉड किया, वो फ्रॉड अगर मेरे साथ में जैसे फ्रॉड हुआ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा फ्रॉड किसी और के भी साथ में ना हो। मेरी प्रशासन से इतनी इच्छा है कि मुझे उचित न्याय मिलना चाहिए और मेरे कंपनी के जो भी लोग हैं, वो जो भी मेरा पैसों का हिसाब किताब अगर है भी तो बचाव, जैसे मेरे पास में ये पैसा आ जाएगा तो उन लोगों का भी बचाव पैसा मैं उन लोगों का क्लियर कर दूंगा। बस धन्यवाद।